दोस्तों गुजरात को बनाने थे 119 रन और इसके बाद इस गेंदबाज ने पलट दिया पूरा मैच। जी हां दोस्तों, आईपीएल का 48वां मैच राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच जयपुर के मैदान पर खेला गया, जहां दोस्तों इस बड़े मुकाबले में राजस्थान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और दोस्तों उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही, जहां इस मैच में राजस्थान के बाद एक विकेट गिर रहे थे और उनको पहला झटका ही 11 रन के स्कोर पर पांड्या ने देकर जॉस बटलर का आउट कर दिया था और बटलर केवल 8 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद जायसवाल 1 रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो बैठे और वो 14 रन बनाकर आउट हुए थे, जहां एक तरफ कप्तान संजू सैमसन कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन वो भी एक गलत शॉट खेलकर 30 रन बनाकर आउट हो बैठे, जहां इस मैच में राजस्थान की हालत राशिद खान और नूर अहमद ने खराब कर दी थी, क्योंकि इन दोनों गेंदबाजों ने मिलकर राजस्थान को एक के बाद एक 5 झटके दिए थे, जहां इसके बाद शिमरन हिडमायर भी केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। और दोस्तों राजस्थान का कोई भी बल्लेबाज इस मैच में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया था और इस वजह से राजस्थान की टीम आज पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और वो केवल 118 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां इस मैच में गुजरात की तरफ से राशिद खान को 3 विकेट हाथ लगी और उन्होंने अपने 4 ओवर में केवल 14 रन दिए थे, तो नूर अहमद ने भी 2 विकेट अपने नाम किए, तो मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या और जोशुआ लिटिल को भी एक एक विकेट हाथ लगी थी। तो वहीं दोस्तों गुजरात को ये मैच जीतने के लिए केवल 119 रन बनाने थे और जब गुजरात की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में कमाल की रही थी, क्योंकि वृद्धिमान साह और शुभमन गिल इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने 71 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज इस मैच में अपना अर्धशतक जड़कर गुजरात को एक बड़ी जीत दिलवाएंगे, लेकिन तभी 71 रन के स्कोर पर चहल ने शुभमन गिल को आउट कर दिया और गिल 36 रन बनाकर आउट हुए। तो दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने कप्तान हार्दिक उतरे और दोस्तों हार्दिक ने जैम्पा के एक ही ओवर में 3 छक्के 1 चौका जड़कर इस मैच को पूरी तरह गुजरात के पक्ष में ला दिया था और दोस्तों हार्दिक पांड्या इस मैच में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम को 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही जीत दिलवा दी और दोस्तों गुजरात की टीम ये मुकाबला 9 विकेटों से जीती है, वो भी 6 ओवर पहले। और दोस्तों गुजरात की तरफ से कप्तान हार्दिक केवल 15 गेंदों में 39 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे, तो वृद्धिमान साह ने भी 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे और दोस्तों गुजरात ने इसी के साथ एक और बड़ी जीत दर्ज कर ली है, वो भी 9 विकेटों से, और उनके दोस्तों अब पॉइंट टेबल में पूरे 14 पॉइंट हो चुके हैं।